सेना के जवान का शव जो इससे जो है वो लटकता हुआ मिला है। ये काफी ज्यादा दुखद भरी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के सुजवा वहां पर जो है वो यानी कि चाटा के अंदर जो एक सुजवा का एरिया वहां पर एक सेना के जवान की जो है वो जान चले गई है। और बताया जा रहा है कि जनाब इस सेना के जवान का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ मिला है। और जैसे इस बात की जानकारी यहाँ पर सेना के जो जवान के जो बाकी साथी थे उन्हें मिली तो जनाब वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया कि आखिरकार इस सेना के जवान के साथ ऐसा क्या हुआ है। काफी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं। लेकिन जनाब आपको बताते चले कि जम्मू जिले की चाटा पुलिस चौकी के अंदर जो एक सुजवा इलाका आता है वहां पर जो है वो एक सैनिक बैरक में जो है वो वहां पर फंदे से जो है वो जुलता वहां पर मिला है। और ऐसे में जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि इस सेना के जवान की जो पहचान है वो सुखविंदर सिंह सनाफ नायब सिंह जो है बताई जा रही है, जो कि बरनाला पंजाब का रहने वाला था और आपको बताने चले कि इन दिनों सुजवा स्टेशन पर वहां पर तैनात था। लेकिन ऐसे में न जाने क्या रहा है कि सुबह अपनी बैरक में जो है पंख के साथ ये जो है वहां पर झूलता पाया गया था। और ऐसे में उसके साथियों की तरफ से अफसरों को इसकी जानकारी दी गई और जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में वहां पर ले जाया गया। लेकिन ऐसे में जनाब दुखद रहा कि डॉक्टर्स ने जो है वो उसे इलाज के दौरान वहां पर डेड डिक्लेयर कराया और जिसके बाद पुलिस जो है वो मामले की जांच जो है पुलिस ने करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार किस तरह से एक जो है वो बैरक के अंदर सुजवा में बैरक के अंदर जो है वो एक सैनिक जो है वो इस तरह से जो है वो ये कहें कि ऐसी हालत में यहाँ पर पाया गया है। आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। इस सेना के जवान की पहचान जो है वो आपको बताने चले कि सुखविंदर सिंह सनाफ नायब सिंह जो कि बरनाला पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। और जिस तरह से ये खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि जम्मू के अंदर जो चाटा पुलिस जो पोस्ट है और वहाँ पर सुजवा में वहाँ पर जो है वो सुजवा स्टेशन जो है वहाँ पर तैनात इस सेना के जवान की जो है वो जान चले गई है और जिसके बाद इसकी जानकारी जो है वो इसके परिजनों को दी गई है। लेकिन अपने आप में ये काफ़ी ये कहीं कि दुखद भरी खबर है जो कि आप तक इस समय जो है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। काफी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले जो है वो देखने को मिलते हैं कि किस तरह से सुजवा में जो है वो एक ये कहें कि जनाब कैंप के अंदर जो है वो एक आर्मी के जवान की जो है वो जान चले गई है। और बताया जा रहा है कि जनाब इस आर्मी के जवान का शव जो है वो फंदे से जुलता हुआ वहां पर पाया गया है। और जिसके बाद जब इसके पूरे साथियों ने वहां पर इसे ऐसी हालत में देखा तो जनाब वो भी हैरान रह गए और उनकी आंखें भी नम होगी कि आखिरकार उनके साथी के साथ ऐसा क्या हुआ। काफी दुखद रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। आप समझते हैं कि एक जवान को देश की रक्षा करने के लिए अपने ये कहें कि देश की रक्षा करने के काबिल जो है वो किस तरह की मेहनत जो है वो उसे करना पड़ती है। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है जनाब हर किसी की रूह कांप जाती है कि आखिरकार किस तरह से जो है वो ये इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आपको बताने चलूं कि जम्मू से एक बड़ी ही दुखद भरी खबर सामने आ रही है कि चाटा पुलिस पोस्ट के अंदर जो एक सुजवा इलाका है वहां पर एक कैंप के अंदर जो है वो एक सेना का जवान फंदे से जुलता वहां पर मिला है। और बताया जा रहा है कि इस जवान की जो पहचान है वो सुखविंदर सिंह सनाफ नायब सिंह जो कि पंजाब के बरनाला का रहने वाला था। लेकिन जम्मू कश्मीर के जम्मू के अंदर जो चाटा पुलिस पोस्ट है उसके अंदर जो सुजवा का एरिया है वहां पर ये सुजवा स्टेशन पर तैनात था। और ऐसे में सुबह जो है वो अपने कैंप में वहां पर पंखे के साथ जो है वहां पर ये कहें कि लटकता हुआ ये पाया गया है। और ऐसे में उसके साथियों की तरफ से इसके बारे में इसके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको जानकारी दी गई और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन जांच के दौरान डॉक्टर्स ने जो है वो उसे डेड डिक्लेयर कराया है और जिसके बाद इसके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन जनाब जब इसके परिजनों को ये जानकारी मिली होगी तो परिवार आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस समय में जो है वो सदमे में होगा। तो आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और जिस तरह से ये एक आर्मी के जवान की जान जो है वो जनाब चले गई है सुजवा से एक बड़ी ही दुखद भरी खबर है जो कि आप तक जो है वो इस समय पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आर्मी के जवान का शव जो है वो पंख के साथ है लटकता हुआ पाया गया। और इस हवाले से जम्मू जिले की चाटा पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज करके आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी और फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब इस आर्मी के जवान ने ऐसा जो है वो क्यों किया है, क्या कुछ कारण रहा है। ये तो एक जान से जुड़ा पार्ट है, ज्यादा कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अपने आप में ये एक बड़ी ही दुखद भरी खबर है जो कि इस समय जो है वो आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लगातार इस तरह के मामले जनाब लोग रोजाना जो है वो जम्मू में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सेना के जवान जो है वो ऐसा कदम उठाते हैं कि शायद उसके बाद ये कहें कि पूरे देश को उसका बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। और साथ साथ
परिवार भी जो है पूरे तरीके से टूट जाता है कि एक आर्मी का जवान जब ये कहें कि आर्मी में जब भर्ती होता है तो आप समझ सकते हैं कि परिवार में काफी ज्यादा खुशियां होती हैं कि जनाब हमारा बेटा जो है वो घर से अब देश की रक्षा करने के लिए जो है वो निकल चुका है और अब देश की रक्षा करने के काबिल जो है वो बन चुका है और उसने खुद को जो है वो ऐसा बनाया है। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है कि कभी पुलिस के किसी कर्मी ने जो है वो ऐसा कर दिया, तो कभी ये कहें कि आर्मी के, तो कभी BSF के, तो कभी CRPF के जवान जो है वो ऐसा करते हैं, तो काफी दुखद रहता है। लेकिन ये आप सब लोगों से कहेंगे कि आत्मा की शांति के लिए जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा। माता रानी के आगे हम भी ये दुआ करते हैं, वाहेगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे, कि इस आर्मी के जवान जो ये जिनका नाम जो है वो यहाँ पर जो कि सुजवा में यहाँ पर तैनात है, उनका नाम सुखविंदर सिंह है, और इनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले। तो आप सब लोग भी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।